टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे जो फाइल अपलोड कंट्रोल है उसके बारे में। दोस्तों उसमें हम जो इमेज फाइल अपलोड कंट्रोल है उसका हम डिटेल में कोड करेंगे। हम जो एक इमेज फाइल है उसको हम अपलोड कराएंगे और उसका डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। दोस्तों ऐसा एक जो हम फॉर्म से वो हमने लिया हुआ है जिसमें हमने जो माई फोटोज है वहाँ पे अपनी एक इमेज ली हुई है और दूसरा एक जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है जो फुल नेम का, जहाँ पे हम फुल नेम है उसको एंटर कराएंगे। उसके बाद एक जो फाइल अपलोड कंट्रोल लिया है जो चूज फाइल पर, वहाँ से हम एक इमेज फाइल है उसको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। और जो अपलोड वाला बटन है एक बटन लिया है, जैसे यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज पे एक अपनी इमेज है वो अपलोड हो जाएगी, जो भी आपने इमेज सिलेक्ट की है वो। उसके बाद जैसे हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फुल नेम है वो और जो ये इमेज है वो दोनों डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। तो चलो दोस्तों, तो हम कैसे स्टोर करना है वो हम डिटेल में पूरा विजुअल स्टूडियो में कोड में देखते हैं। दोस्तों आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट से, तो आपको इसके अलावा जो फाइल अपलोड कंट्रोल है उसके अलावा जो एड रोटेटेड कंट्रोल है, जो डेट टाइम पिकर है, जो कैलेंडर कंट्रोल है जिसमें टू डे डेट यूज जो एंटर कराने, उसके बाद जो कास्केटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जो चेकबुक रिक्वेस्ट है, जो व्यू स्टेट है, जो ईमेल की रिक्वेस्ट है, ये जो सारे कंट्रोल्स है उसका भी हम डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसका कोड है वो कैसे करना है। दोस्तों हमें फाइल अपलोड कंट्रोल को यहाँ पे जो ये फाइव स्टेप है उसमें हमने डिवाइडेड किया, हम स्टेप बाय स्टेप फाइव स्टेप हम करते जाएंगे और ये जो पूरा कोड है हम करते जाएंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप है उसमें जो क्रिएट डेटाबेस टेबल, यानी कि हमने जो एक डेटाबेस बनाया उसमें हम सबसे पहले एक जो टेबल है उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर का स्टेप है वहाँ पे हम जो फॉर्म्स की डिजाइनिंग है उसको बनाएंगे और उसमें जो भी वैलिडेशन है ऐड करना चाहते हैं हम ऐड कर पाएंगे। अगर हम जो इमेज फाइल अपलोड का कंट्रोल बनाना चाहते हैं तो इसमें हम ओनली जेपीजी या पीएनजी जेपीजी फाइल को अपलोड कराना चाहते हैं तो उसके मुजब जो वैलिडेशन है वो हम सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम एक जो सिंपल इमेज फाइल है उसको हम अपलोड कराएंगे। उसके बाद जो थर्ड नंबर का स्टेप है उसमें दोस्तों हमें एक जो इमेज का फोल्डर है उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का स्टेप है उसमें हमें जो अपलोड बटन का कोड है उसमें करना है। जो भी हम सर्वर पाथ में जो भी हमने इमेज का फोल्डर बनाया है सबसे पहले हमें इमेज है वहाँ पे स्टोर करानी है और वो जो फोल्डर है उसमें से हमें डेटाबेस में इमेज को स्टोर करानी है। तो उसके लिए हमें जो सबमिट बटन है उसके ऊपर जो इंसर्ट की क्वेरी है वो करनी होगी। तो ऐसे जो वन से लेकर फाइव स्टेप है उसे हमें कंप्लीट करने। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और जो कोड है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले अपना जो विजुअल स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर हमारा जो भी प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम फाइल अपलोड कंट्रोल बनाना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वाला प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लिया है। तो वहाँ पे मैंने जो एक जो डेमो अपलोड फॉर्म्स है उसके अंदर फाइल अपलोड कंट्रोल की डिज़ाइन पहले से ही बनाई हुई है। यहाँ पे मैं इसकी डिज़ाइनिंग पे आके आपको दिखाता हूँ। जैसे हम दोस्तों डिज़ाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आपके सामने शो हो जाएगी। दोस्तों ये आपके सामने इसकी डिजाइनिंग ओपन हो गई है। यहाँ पे आप जो सर्वर एक्सप्लोरर पे जो लेफ्ट साइड है इसका डेटाबेस है वो भी ओपन मैंने किया हुआ है। इसमें दोस्तों पहले से ही एक टेबल ऐड किया हुआ है, लेकिन हमें जो है फाइल अपलोड कंट्रोल के लिए हमने जो दो फील्ड लिए है एक फुल नेम और दूसरा है जो फाइल अपलोड कंट्रोल, तो हमें उसके लिए एक अलग से एक टेबल को लेना पड़ेगा। तो हमें टेबल न्यू एक टेबल है उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करने पर यहाँ पे एड न्यू टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जो टेबल की डिजाइनिंग है वो आपके सामने शो होगी। जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे आईडी का फील्ड आया होगा, लेकिन दोस्तों हमें आईडी की जरूरत नहीं, हम दो फील्ड ले लेते हैं, एक है फुल नेम का और दूसरा है जो इमेज पाथ का। यहाँ पे आईडी है उसको चेंज कर देना है, जैसे आईडी कोड हटा के वहां पे फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी की हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं प्राइमरी की को। उसके बाद एक और फील्ड ले लेते हैं जिसमें हम इमेज पाथ नेम दे देते हैं इमेज पाथ। दोस्तों उसकी डेटा टाइप है उसको वार्कर लिख लेते हैं वार्कर। साइज दे देते हैं उसकी 15। उसके बाद जो नॉट नल है उसको लिख लेते हैं नॉट नल।
उसके बाद यहाँ पे इमेज है उसका नेम, जो सॉरी दोस्तों जो टेबल है उसका नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम डेटा टीबीएल नेम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेमी कॉलन कर देना है और यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन आपको मिल रहा है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पे एक जो मिस्टेक कर दी है उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अपडेट करते हैं। यहाँ पे हमने जो फुल नेम है उसकी स्पेलिंग भी थोड़ी गलत लिखी हुई, तो यहाँ पे फुल नेम ही लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो पहले इंटीजर थी जो आईडी की, उसको हम चेंज कर देते हैं। वहाँ पे भी हम वारकेर ले लेते हैं, वारकेर इसकी साइज भी हम 15 दे देते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपडेट वाला जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एक जो अपडेट डेटाबेस है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखे जो सक्सेसफुली का मैसेज हमें आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ उसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे जो डिजाइन खुली हुई है उसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो हमें यहाँ पे डिजाइनिंग पे आ जाना है, फॉर्म की डिजाइनिंग पे। और उससे पहले हम यहाँ पे जो टेबल है उसको रिफ्रेश कर देते हैं, जो जो हमने न्यू टेबल ऐड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डेटा टीबी है और उसका फील्ड भी यहाँ पे हमारे सामने शो हो गया, फुल नेम और जो इमेज पर। अब दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे जो अपलोड वाला बटन है उस पर हमें उसका फाइल अपलोड का कोड करना है, तो अपलोड वाला बटन है उस पर हम डबल क्लिक कर दें। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम जो .cs फाइल है उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे जो फाइल अपलोड का जो कोड है उसे हमें करना है। उसके लिए हमें दोस्तों जो फाइल अपलोड की आईडी ली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं फाइल नेम इक्वल टू जो फाइल अपलोड कंट्रोल जिससे हमने आईडी ली है वही फाइल अपलोड वन जो हमने फाइल अपलोड की आईडी ली है वो डॉट फाइल नेम जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वही फाइल। सॉरी दोस्तों हमें यहाँ पे कॉमास की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोड वन जो हमने कहाँ अपलोड करना है, तो फाइल अपलोड वन जो आईडी है वह डॉट पोस्टेड फाइल, दोस्तों पोस्टेड फाइल डॉट सेव एज, यानी कि हम कहाँ पे सेव करेंगे, जो इमेज का हमने फोल्डर बनाया है वहाँ पे। उसके बाद कॉन्स के अंदर दोस्तों सर्वर, जो सर्वर डॉट मैप पाथ और यहाँ पे मैप पाथ। उसके बाद और कॉन्स ले लेंगे और यहाँ पे जो एक कौन सा फोल्डर में हम सेव कराना चाहते हैं उसको हमें यहाँ पे पाथ दे देना है, तो फोल्डर का नाम है इमेज, यहाँ पे हमने जो पहले से ही बना रखा है इमेज। अगर नहीं बनाया तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ऐड कर देना है इमेज का और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस की साइन और जो फाइल नेम जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था वही फाइल नेम, उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन। दोस्तों यहाँ पे जो हम इमेज का फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर जो इमेज का पाथ है वो स्टोर हो जाएगा। तो हमने इमेज की आईडी दी है उसको हमें यहाँ पे लेना है इमेज वन, जो हमने इमेज दी उसकी आईडी हमने इमेज वन दी डॉट इमेज यू आर एल, यहाँ पे इमेज यू आर एल इक्वल टू। फिर से हमें दोस्तों जो फाइल का पाथ हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, तो इमेज जो पाथ है वो दे देना है इमेज। प्लस जो फाइल का नेम जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वही फाइल नेम और सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे जो हमें एक स्लैश देना है ना पाथ का, तो दोस्तों हमें जो इमेज का एक फोल्डर है उसको हमें ऐड कर लेना है। सबसे पहले जो फाइल अपलोड कंट्रोल का कोड है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों और भी कई सारी जो मेथड है वह ऐसे आप कोड करके आप फाइल अपलोड है वो कर सकते हैं, लेकिन यह दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाना है और जो हमारा प्रोजेक्ट है जो भी हमने नेम दिया उस पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर है उसको हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है,
और यहाँ पे न्यू फोल्डर है उस पर क्लिक कर देना है। जो फोल्डर का नेम है जो भी हमने दिया है, जो फाइल अपलोड जो क्लिक इवेंट है उस पर, उस फोल्डर का नाम यहाँ पे उस नेम का एक फोल्डर ले लेना है हमें, जो इमेज, और एंटर दबा के सेव कर लेना है इमेज। दोस्तों यहाँ पे नेम सेम देना है, या तो आप पहले फोल्डर बना ले उसके बाद भी कोड कर सकते हैं, या तो आप पहले कोड कर ले फिर फोल्डर बनाए तब भी कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें जो हमने फाइल अपलोड की है उसको हमें डेटाबेस में उसका डेटा स्टोर कराना है। तो सबसे पहले हमें जो टॉप में हेडर फाइल है उसको ले लेनी है, यहाँ पे जो सिस्टम डॉट डेटा और सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि हमने एसक्यूएल सर्वर का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो ऑब्जेक्ट्स है वो ले लेते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन जिसकी हमें ज़रूरत होगी, सीओएन कनेक्शन के लिए हम दोस्तों सीओएन ले लेते हैं, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों एसक्यूएल कमांड के लिए हम सीएमडी ले लेते हैं, कमांड के लिए सीएमडी। उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग के लिए हम दोस्तों str1 ले लेते हैं। दोस्तों तो हमें तीन ऑब्जेक्ट है उसकी हमें ज़रूरत होगी हमें डेटा को स्टोर कराने के लिए डेटाबेस में। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट पे है उस पर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के साथ जो डेटाबेस है उसकी कनेक्टिविटी कर देते हैं, जो कनेक्टिविटी कोड है उसे। सबसे पहले con.connection_string यहाँ पे दोस्तों जो डेटाबेस का पाथ है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे आ जाना है, जो डेटाबेस है उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे आना है, और यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज ओपन हो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ है उसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, यहाँ पे जो पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी और यहाँ पे पाथ को चेंजेस कर देना है, और जो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन है उसको ओपन करा देना है, connection.open यहाँ पे कनेक्शन ओपन हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो एक इंसर्ट का कोड है उसको करना है, जो डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना है। तो हमें फिर से इस फाइल की डिजाइनिंग है उस पर आ जाना है, डिजाइनिंग पे जो सबमिट वाला बटन है उसकी क्लिक इवेंट है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे सबमिट बटन की क्लिक इवेंट है ओपन हो चुकी। एक दोस्तों ट्राइकेस ब्लॉक से उसको ले लेते हैं ताकि एक्सेप्शन में हमें हेल्प मिले, एक्सेप्शन ईएक्स ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका मैसेज दे देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट ट्राई ईएक्स ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जो ट्राई का ब्लॉक्स है वहाँ पे हम जो इंसर्ट की क्वेरी करेंगे, जो स्ट्रिंग जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है str1 इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों हमें इंसर्ट की क्वेरी करनी होगी, इंसर्ट इनटू जो टेबल का नेम हमने दिया है वही डेटा tbl वैल्यूज, यहाँ पे कंडीशन जो हमने लिखनी है वही। सबसे पहले हमने जो एक फुल नेम का पाथ लिया है, यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स के आईडी दिए वही यहाँ पे txt_fullname.txt। उसके बाद हमें जो इमेज के लिए हमें इमेज को स्टोर कराने के लिए जो भी हमने इमेज के आईडी दिए वही image1.imageurl। उसके बाद यहाँ पे कमांड cmd इक्वल टू न्यू sql कमांड स्ट्रिंग और कनेक्शन। उसके बाद कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, दोस्तों हम एक मैसेज दे देते हैं जो सक्सेसफुली का, रिस्पॉन्स डॉट राइट, एक स्क्रिप्ट मैसेज दोस्तों हम दे देते हैं। मैसेज हम सक्सेस दे देते। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे इमेज का पूरा फाइल अपलोड कंट्रोल है उसका कोड कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसको एक बार चेक करके देखते हैं, जो प्रोजेक्ट है उसको रन कर लेते हैं, को रन करेंगे तो ऐसा एक यूजर इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा। तो सबसे पहले हमें जिस भी व्यक्ति की हमें जो प्रोफाइल अपलोड करनी है उसको हम सबसे पहले उसका नेम लिख लेते हैं, मैं अपना खुद का नाम लिख लेता हूँ, जयेश आहिर। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जो एक इमेज है उसको अपलोड कर लेता है, जो चूज पहले उस पर क्लिक करना है,
जैसे ही चूज फाइल क्लिक पे आप क्लिक करें दोस्तों, उसके बाद आप कोई भी एक जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं अपनी खुद की इमेज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड वाला जो हमने बटन दिया है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों हमने जैसे अपलोड बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे जो हमने इमेज सिलेक्ट की थी वो अपलोड हो चुकी है। अब दोस्तों आप इमेज का वैलिडेशन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको जो वैलिडेशन वाला इमेज का कोड है वो आपको सेंड कर दूंगा। या तो आप PDF अपलोड करना चाहते हैं, कोई और फाइल अपलोड करना चाहते तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा। अब दोस्तों इसको डेटाबेस में सेव कराने के लिए यहाँ पे सबमिट वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एक सक्सेस का मैसेज आ चुका है, यानी कि जो डेटाबेस के अंदर जो हमने नेम और जो इमेज स्टोर कराई वो वहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।